आपके आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रही हो आपको, आप सूचना के अधिकार के तहत किसी विभाग से पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप पूछेंगे, वो पीआईओ क्या करते हैं आमतौर पर, उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई ऐसी चिट्ठी आई है आपके बारे में, फिर वो मिलके पता करते हैं किसने भेजी है, सही नाम से तो पहचान जाते हैं उसको, फिर उसको दबाव बनाते हैं, फिर सहमति बन जाती है, और जैसे सहमति बनती है तो एक ही रास्ता है कि वो व्यक्ति खुद जाके लिख के दे कि मुझे सूचना अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई है, कृपया सूचना मेरे पास ना भेजें। यह मैकेनिज्म काम करता है, पर इसकी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है वो दूसरा पत्र लिख के भेजे कि अब मुझे सूचना नहीं चाहिए, नहीं तो सूचना आएगी ही आएगी। और सूचना नहीं आने के जो तरीके हैं वो सेक्शन 8 में कुछ बताए गए हैं, जब वहां पहुंचेंगे वहां देखेंगे वहां ये तरीका है। मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मोहल्ले में कई घर थे, उनमें से एक घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हर घर में थोड़ी बहुत थी, वो भी करवा रहा था। किसी पड़ोसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भेज दी सूचना के अधिकार में कि मैं जानना चाहता हूं कि इस फ्लैट नंबर में क्या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यदि है तो परमिशन कैसे मिली, एक्शन लिया गया या नहीं, लिया गया तो एक्शन क्या लिया गया बताइए, ऐसे करके भेज दिया। दिल्ली की बात है, डीडीए वाले परेशान, वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फ्लैट तो टूटेगा, चिट्ठी आई है सूचना के अधिकार में, तो पता किया गया किसने भेजी है, पता लग गया, पता लग ही जाता है कोई लगाने पे आ जाए तो। फिर क्या हुआ, जिसके खिलाफ चिट्ठी गई थी उसने कहा कोई बात नहीं, एक मैं भी लगा देता हूं। उसने दूसरी चिट्ठी लगाई, इस मोहल्ले में कितने फ्लैट्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कृपया बताएं, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में आखिरी सर्वे कब हुआ था। नंबर 3, क्या कोई एक्शन लिया गया था, यदि हाँ तो क्या, उस एक्शन की रिपोर्ट मेरे साथ जारी करें, ऐसे ऐसे करके भेज दिया। ये चिट्ठी जाते ही अब सारे घर खतरे में आ गए, फिर सबकी पंचायत हुई, और पंचायत के बाद क्या फैसला हुआ, दोनों गए कि सूचना मिल गई है अब नहीं चाहिए। ये सब पब्लिक प्रेशर्स होते हैं, जिन प्रेशर में लोग वापस हटते हैं, नहीं तो कानून बहुत ताकतवर है, अगर कानून का ठीक से प्रयोग किया जाए ताकतवर है। तो पीआईओ की एक जिम्मेदारी और भी है, पीआईओ की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जो लिख नहीं सकते, ईमेल नहीं कर सकते, उन्हें पीआईओ असिस्ट करेगा और उनकी डिमांड को कागज या ईमेल के रूप में कन्वर्ट करेगा, ताकि उनको भी सूचना के अधिकार का लाभ दिया जा सके। स्पष्ट हुई बात। तीसरी बात, आप जो भी ईमेल भेजेंगे या पत्र भेजेंगे किसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू, या एड्रेस करने का मतलब किसको संबोधित करेंगे। संबोधित करना है हमेशा या तो सीपीआईओ को, या एसपीआईओ, या केपीओ, या सेपीओ, कोई याद ना रहे ना खाली पीओ कर देना, पीआईओ, वो अपने आप सही पते पे पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस पीआईओ इसी विभाग का नाम लिखिए। थोड़ा प्रयोग करके देखो ना, एक छोटा मोटा प्रयोग, बड़ा मजा आएगा आपको, जिंदगी में रोमांच आ जाएगा, सरकार के फोन आएंगे पहली बार आपके पास। अगर आप चाहते हैं बड़े आदमी का फोन आए तो एमपी लेड स्कीम के बारे में पत्र लिखो सरकार को कि हमारे जो एमपी साहब हैं उनके फंड का कितना कितना हिस्सा किस किस योजना पर खर्च हुआ पिछले 5 साल में, उसी डिटेल सही है मुझे, और साथ में देखो यदि उस पर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो शिकायत कहाँ करनी है ये बताइए। सीधे एमपी साहब पहले गुर्गे आएंगे, फिर एमपी साहब खुद आएंगे मिलने के लिए, घर आके बात करेंगे आपसे। अगर एमपी का नाम कुछ ऐसा है कि अंत में भैया भैया लगा हुआ तो उठवा लेंगे आपको ही, और अगर एमपी ठीक ठाक है तो फिर आपके घर पे आके आपसे बात करें। हाँ,